मेरे साथ इस समय पराग त्यागी वो बिग बॉस के घर से शिफाली से मिलकर आ रहे हैं। उनके चेहरे की खुशी बयां कर रही है कि मतलब अभी भी वो उस उसमें है कि हाँ शिफाली से मिलना हो गया। हाँ जी, वो खुमारी अभी तक नहीं उतरी है। तो कैसा था वो मोमेंट? आप बोल रहे थे कि मैं 5 बजे तक आपको सो ही नहीं पाया। हाँ, इनफैक्ट इतना ज्यादा एक्साइटेड था, इतना एक्साइटेड था। और मैं सीधा परी से मिलके सीधा परी के मम्मी पापा और उनकी बहन के पास गया, उनको बताया, वहाँ से छोटे बच्चे हैं उनके, तो मैंने कहा मैं निकलता हूँ। वहाँ से 12:30 निकला वहाँ से। और निकलने के बाद घर पे यू नो आपको अपना कंपेनियन तब मिस होता है, आपका जो जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उसके साथ हर चीज़ शेयर करते हो। जब आप बहुत खुश होते हो ना, तो आपको कोई चाहिए जिसका खुशी आप शेयर कर सको। तो मैं उस दिन इतना मिस कर रहा था परी को कि यहाँ पर मैं घर पे जागा हुआ हूँ और मुझे बात करनी है। जब आप खुशी होते हो आपको बात करनी होती है, मुझे बात करनी है, बट कोई नहीं यहाँ पर बात करने को। आप सोच नहीं सकते, उस दिन मैंने रात को, मैं एक छोटे से कस्बे टाउन को बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर लोग है ना 9-10 बजे तक सो जाते हैं। मम्मी बिकॉज बिग बॉस आता है तो वो देख के सोती हैं। तो मैंने मम्मी को 4:15 बजे फ़ोन किया और मम्मी ने फ़ोन उठाया, क्या बेटा सब ठीक तो है ना? मैंने कहा हाँ मम्मी सब ठीक है, एक्चुअली मैं इतना एक्साइटेड हूँ और मैं बात मुझे बात करनी है। तो मम्मी ने कहा हाँ बेटा तू करना। मैंने कहा आप सो तो नहीं गए थे? मम्मी कहने पागल है तू। तो मम्मी से मैंने 1 घंटा बात की, 4:15 से 5:15 बजे तक। फिर मैंने कहा हाँ मम्मी अभी आप भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। तो बहुत एक्साइटेड था उससे। और आपने जो है बहुत ही एक मेंबर जो मुझे लगा जब फैमिली से गया तो उसके जाने के बाद बहुत सारी खुशियां घर में लेके गया, क्योंकि आप शेफाली के लिए गए तो शेफाली के चेहरे पे खुशी थी। आप जो आसिफ के लिए संदेश लेके गए उससे सीधा से आसिफ पूरा घर जो है पूरा घर खुश हो गया था। हाँ, मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत ब्लेस फील करता हूँ क्योंकि मैं आई बिलीव इन लव। और मुझे इस बात का आई एम सो थैंकफुल टू गॉड, भगवान का इतना शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जरिया बनाया। हिमांशी मेरे टच में है, उन्होंने जब वहाँ से आई थी तो उन्होंने 1 हफ्ते बाद ही, मतलब इस बात को 1 महीने के आसपास हो चुका है, उन्होंने बोला था कि पराग भाई भाई अब जब भी जाओगे प्लीज़ मेरा मैसेज दोगे ना। मैंने कहा यार आप मतलब हो ही नहीं सकता कि मैं मैसेज ना दूँ कुछ भी। तो सडनली कॉल आई कि हाँ बिग बॉस घर में जाना है। तो मैं 2 तरह से एक्साइटेड था, एक तो क्या सबसे बड़ी एक्साइटमेंट तो अपनी परी से मिलने की थी, लेकिन दूसरा ये भी था कि मैं दो एक प्यार का संदेश लेके जा रहा हूँ। तो उस बात की भी बहुत खुशी थी मुझे। तो खुशियाँ बांटना है ना, एक बहुत बहुत बड़ा मुझे लगता है कि पुण्य का काम है। और जब से वो है तो आप आसिफ को कभी आपने इतना खुश देखा है जिंदगी में? वो गाने गा रहा है, गाने गा रहा है, कभी उसको गाने गाते हुए आपने देखा नहीं है। एंड नाउ ही इज ओपनिंग अप अबाउट हिज लव। वो खोल खुल के बता उसी दिन रात को। हाँ, तो उसने इतनी सारी चीज़ें शेयर की, तो इमेजिन कीजिए मतलब प्यार में कितनी शक्ति होती है, कितनी पावर होती है। पर लोग ये भी सरप्राइज है कि हिमांशी ने उमर के हाथ में नहीं आपके हाथ में प्यार का मैसेज क्यों भेजा। ये बात तो मैं भी नहीं बोल सकता इस बारे में, मुझे नहीं पता उसके पीछे रीजन क्या है। आई थिंक हो सकता है कि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं माइट बी भाई है, तो एक वो वैसे भी पंजाब के लोग की लड़की है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शर्म होती है, माइट भी वो हो सकता है। उन्हें लगा होगा कि आप जाके शिफाली को बोलेंगे, शिफाली अच्छी दोस्त रह चुकी है तो वो बोल, ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए मैं आपको बताऊं, मैंने बिग बॉस से परमिशन ली स्पेशली इस चीज़ के लिए। अच्छा, मैसेज देने के लिए? क्योंकि मेरी उमर से बात हुई तो उमर ने बोला कि हमें बाहर का कोई मैसेज देना अलाउड नहीं। मैंने परमिशन ली थी उसके लिए, उन्होंने बोला कि बाहर की वो नहीं है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे एक बहुत ज़रूरी मैसेज देना है। तो पहले तो उन्होंने थोड़ा टाइम लिया और मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा नहीं प्लीज़ आप देखिए कुछ। तो आई थिंक उन्होंने फिर बात करके ऊपर तक अपने सीनियर से जो भी उनके वो हैं क्रिएटिव सबसे बात करके, देन फाइनली जब मैं जा रहा था उस टाइम उन्होंने बोला कि नहीं पराग आपको बोल सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। वेरी नाइस। तो आपको लगता है कि जो ये मैसेज गया है उसके बाद उमर से भी जब वो डिस्कस कर रहे थे तो उमर ने ये बोला कि मैं ये सारी चीज़ें भी मत तू कर, मैं चिंता मत कर, मैं देख रहा हूँ सारा। तो कहीं आपको लगता है कि उनका गेम अब जो है गेम की तरफ नहीं, वो प्यार में फोकस हो जाएंगे, वो इस इंतजार में कि मैं कब जल्दी बाहर जाऊँ? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आसिम बहुत फोकस्ड है लाइफ में अब, क्या है उसको मेरे ख्याल से एक अलग ही पावर आ गई होगी, अलग ही एनर्जी आ गई होगी, वो रिफ्रेश हो गया होगा मेरे हिसाब से जितना मुझे लगता है। जैसे हर इंसान के ऐसी आसिम के साथ तो बोलते हैं ना बोनस भी हो गया, भाई से भी मिल लिया और उसको खबर भी आ गई कि आज मानसी मेरा वेट कर रही है। तो आई थिंक वो सब लोगों से ज़्यादा चार्ज अप हो जाएगा, अभी ज़्यादा फोकस्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा टाइम है, अभी सिर्फ 4 हफ्ते बचे हैं। तो मैं इस बात से खुश हूँ कि हर पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई है। आप इतनी खुशियों की लहर लेकर गए तो जिसका संदेश लेकर गए थे, डाकिया बनकर गए थे, उसकी तरफ से क्या रिएक्शन आया? वो तो मतलब फुल उसी दिन रात को फोन किया और कम से कम 1 घंटा बात की, बहुत हंसी रही थी वो तो, सिर्फ बहुत खुश थी वो हिमांशी।
वही कि यार मतलब आई नो बहुत सेंटिमेंटल हो गई होंगी, वो ओवरवेल्म हो गई. अच्छा अच्छा आसिफ ने उन्होंने बोला भी था कि उनसे पूछ के आ रहा उनका जवाब, तो मैंने हिमांशी को बोला जवाब, उसकी शक्ल देख के शक्ल बता रही थी जवाब की जरूरत ही नहीं है, ही वाज सो एक्साइटेड. सबने उनका जवाब वही, तो मैंने कहा सबने आप जब देखेंगे, तो जब तक उन्होंने नहीं देखा ना तब तक वो एक्साइटमेंट रहते थे कि क्या हुआ है, क्या आसिफ रिएक्ट कर रहा है, क्या है. तो आई थिंक वो उसके बाद तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई. और आपका और जो शेफाली का जो था एकदम गोदी पे लेके जाना रूम में और उनकी टो पे मसाज करना, हमारी जब लास्ट टाइम बात हुई थी तो ये सीक्रेट उन्होंने तभी शेयर किया था कि जब हम टीवी देखते हैं बैठकर, वो इधर सीर होता है उनका, मैं इधर बैठता हूँ और मसाज चलती रहती है. फेवरेट पसंद हो तो फिल्म हो तो आपकी हो तो वो करती है, राइट? नहीं वो एक्चुअली पहले होता था, अभी तो ये होता है आप ही करते हैं कि मेरी हो उनकी हो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है. आपको बताऊं तो मुझे नींद आ जाती है, मुझे बहुत हम जब सोते हैं तो कई बार मैं बोलता हूँ बीबी दो ना मुझे मसाज करनी है, तो लेटे लेटे दे देती है और मैं सो जाता हूँ. तो इट्स थेरेपी फॉर मी एक्चुअली. ओके, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत ही प्यारे मैसेजेस वीडियोस आपको आ रहे हैं जो आप शेफाली से मिलकर आए, उसके बाद उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब हर किसी को लगता है कि बॉयफ्रेंड और जो हस्बैंड वो आपके जैसा होना चाहिए, तो बहुत प्रेशर फील कर रहे होंगे अब तो आप. नहीं मैं प्रेशर फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि लोगों को मैं चाहता हूँ कि लोग इससे मोटिवेट हो, बिकॉज हमारे यहाँ पे कहीं ना हम लोग इतनी अपनी जद्दोजहद में खो चुके हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने प्यार का इजहार नहीं करते लोगों से. हम अपनी वाइफ से भी हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, परेशानी ये है कि हम दुनिया को थैंक यू बोलते थे, अपने आप को थैंक यू नहीं बोलते. हम बाहर कहीं और आई लव यू बोल देंगे, अपनी वाइफ को बोलने में कई बार हम लोग कतराते हैं. हम क्या ग्रांटेड ले लेते हैं उसको एक्चुअली बोलना, ऐसा नहीं कि हम प्यार नहीं करते हैं. मैं ये मानता हूँ कि हर इंसान को अपनी वाइफ को जब भी मन में आए, जब भी दिल में आए, मतलब दिल में आए कि हाँ मुझे आई लव यू बोलना, आई लव यू बोल देना चाहिए. और अपने प्यार को ना कभी दबा के नहीं रखना चाहिए. आप ये मत सोचो कि कौन क्या कहेगा, कौन वो आपकी लाइफ पार्टनर है, आपके साथ हर मकाम पे खड़ी हुई है. और मैं तो ये मानता हूँ कि अपनी वाइफ के साथ साथ आपको अपना प्यार जताना चाहिए अपने माँ बाप के प्रति भी. मैं अपने मम्मी डैडी को जब भी फ़ोन करता हूँ मैं आई लव यू जरूर बोलता हूँ. पहले नहीं बोलता था, मुझे जब बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार हम सबको थैंक यू आई लव यू बोल देते हैं, तो उनको क्यों नहीं जिनको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं. तो मेरा मानना है कि अपने प्यार का इजहार करना सब लोगों को चाहिए, तो आप उसके बाद अपनी ज़िंदगी देखिए कितनी खुश हो जाती है. आप जाके मिले तो आपको लगता है कि शेफाली की गेम में बदलाव आएगा, वो बहुत समय से जो है बॉटम थ्री में चल रही है. मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि बॉटम थ्री में चल रही है, वो तो एक पोल होता है. हाँ तो उस पोल का तो मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा फर्क होता है. जितना मुझे मालूम है कि परी अभी मेरे हिसाब से टॉप सिक्स में चल रही है. टॉप सिक्स में मतलब हाँ, अब तो खैर अब तो आज तो नौ रह गए, कल आई थिंक आई डोंट नो, हाँ अभी नहीं तो फिर अप्ले नहीं कर पाएंगे. हाँ. तो आई डोंट नो, तो अभी नौ रह जाएंगे बेसिकली. हाँ, हाँ. इसके बाद सो अब तो गेम एक्चुअली बहुत बड़ा शुरू होगा. और अभी सबसे खुशी की बात ये थी, मैं परी को बोल रहा था कि मैंने बेबी आप ना थोड़ा सा, बिकॉज मैं देखते पहचान जाता हूँ कि बेबी आप ना बहुत टायर्ड लग रहे हैं. और आपने बोला भी कि तुम वो वाली वापस आ जाओ, वो वाकई में जो गई थी और जो शेफाली थी वो उन्होंने मुझे यही बोला कि पापा मैं थक गई हूँ, आपको तो एक घंटा देखते हो, मैं 24 घंटे सेम चीज़ होती रहती पूरे घर में. मैं खुद समझ सकता था क्योंकि हमारे घर में ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं होती है. हमें कुछ भी चीज़ बात करनी होती है, कहीं भी हम किसी भी टॉपिक पे जहाँ हम लोग एक उस पर नहीं आते हैं, तो हम लोग डिस्कशन करते हैं, हम फाइट नहीं करते कभी भी. कोई भी गुस्सा भी होते हैं तो फाइट डिस्कशन ही होता है. तो वहाँ पर 24 घंटे एक ही चीज़ होनी, तो मैं खुद समझ सकता हूँ कि यार हम एक घंटा जब देखते हैं तो हम थक जाते हैं एक्चुअली. मैं पर्सनली बताऊँ मैं सवा घंटे में ड्रेन हो जाता हूँ देखने के बाद, और वो तो 24 घंटे वहाँ झेल रही है. लेकिन हाँ उन्होंने ये भी बोला कि पापा भी आप आ गए, आपसे मैं मिल ली अभी, मतलब गुंडी है वो एक्चुअली, मैं उसको घर पर गुंडी बुलाता हूँ. और बस और मैं डेफिनेटली 100% मुझे आइडिया है कि वो 100% अच्छा करेंगे. अभी वो वापस कोई ऐसी चीज़ आपने उनको बोली थी जो दिखाई नहीं गई एपिसोड में? बहुत सारी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा टाइम मिला था एक्चुअली वहाँ पे शायद okay. उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं बोली दिखाई गई, जिसके अंदर से वो ये था कि वो थक गई हैं और सिम्बा को लेके, फैमिली को लेके, और भी बहुत सारी चीज़ें थी. अब तो एक चीज़ बहुत ही मुझे बहुत अच्छा था, मैं जब जाते हुए उनसे मिला विशाल से, तो विशाल को मैंने तब भी बोला था भाई तू भी गांव का है, मैं भी गांव का हूँ, उसने भी खेती की है, मैंने भी खेती की है, तो मुझे कहीं ना कहीं उस लड़के के साथ हल्का सा कहीं ना कहीं सिंपथी भी है और एक सॉफ्ट स्पॉट है उस लड़के के लिए. तो मैंने जाते हुए उसको यही बोला था, एक्चुअली मैं मधुरिमा को बोलना चाहता था वो चीज़, क्योंकि उन दोनों के साथ उस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मधुरिमा हमेशा तू तो गाँव से आता है, तेरे को अंग्रेज़ी नहीं आती है, तेरे को पहनने की कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है,
तो मैंने एग्जैक्टली ये चीज़ बोली थी उसको कि एंड आई रियली मेंट इट, मुझे मालूम है क्योंकि मैं जब परी से मिला था तो मुझे वाकई में ना तो इंग्लिश आती थी, ना ही मुझे कपड़े पहनने की तमीज़ थी, ना ही मुझे कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को, वो नहीं पता था। लेकिन वो लड़की ने मेरे ऊपर मेहनत की, काम किया, लेकिन मेरे साथ खड़ी रही और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो परी की वजह से हूँ। उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी वाइफ का है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई आपको भी ऐसी कोई लाइफ पार्टनर मिले और आई थिंक यू डिजर्व। आपको लगता है मधु और विशाल का रिश्ता सुधर सकता है? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। सुधरने का मतलब ये होगा कि यार या तो उनको ऐसे ही अपनी ज़िंदगी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया है। रिस्पेक्ट नहीं दिखती, और रिलेशनशिप में जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होती है वहाँ पर फिर रिलेशनशिप को ख़त्म ही कर देना चाहिए। क्योंकि रिस्पेक्ट सबसे पहला, ऑफकोर्स ट्रस्ट मेरा मानना है सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बुनियाद होती है, और रिस्पेक्ट। आपकी तरफ से मैसेज जाना बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए, क्योंकि आपको शेफाली का जो रिलेशनशिप वो खुद बोलता है आइडियल। हाँ वो नहीं, उसने खुद भी बोला कि भाई जब हम दोस्त थे, मैंने कहा ऐसा मत सोचना, मैं इतना बोल सकता हूँ अपनी वाइफ के बारे में, तुम ये सोच सकते हो कि मेरे साथ ये 10 साल से हैं और इनके जितने भी दोस्त हैं ना सब बचपन के दोस्त हैं। ये लड़की दोस्ती निभाना जानती है, कभी ये मत सोचना है कभी किसी का ट्रस्ट तोड़ेगी। और शायद आज जो परी जिस सिचुएशन में है वो इसी सिचुएशन में इसलिए है क्योंकि वो ट्रस्ट करती हैं और उनके ट्रस्ट तोड़ा गया है, बिकॉज उन्होंने सब पे ट्रस्ट किया है। तो अपने आसिम को भी ये बात बोली थी कि फाड़ कर रख दूंगा, ये वो एक मोमेंट था मेरा, बिकॉज मैं कभी भी जब भी बिग बॉस देखता हूँ और जब आसिम उनसे, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि आसिम और शेफाली की बहुत अच्छी दोस्ती थी जो कि मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी। मैंने उनको सबसे पहले ये वर्ड बोला कि भाई आप मेरे फेवरेट हो। हाँ, आप ये बात बोली, इसी से शुरुआत किया आपने, आप मेरे फेवरेट हो। लेकिन जब वो अच्छी तरह बात, और आपने भी देखा है वो किस तरह से बात करता है, हट हट, मतलब मैं सीरियसली यहाँ पर हो चुका है बात, जब मैं और परी कहीं पर जाते हैं, परी को कोई भी जरा सा कोई कमेंट कर देता है मैं मार देता हूँ उसको, और कितनी बार हो चुका है। अभी तो मुझे कसम वसम दे दी है परी ने लेकिन फिर भी मैं नहीं सुनता हूँ उस चीज़ को, मुझे कोई भी बोल ले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी वाइफ को वो एक मोमेंट था, आई थिंक उसके लिए कहीं ना कहीं मैं आसिम को अपना अपना मानता हूँ, उसके पीछे रीजन है। ऊपर से उम्र से भी मैं अच्छे टच में हूँ, उमर ने भी आपके लिए लिखा था, वही मैं देख रही थी कि उन्होंने लिखा था कि आप उनसे मिले, आसिम को बोला शेफाली से बात करने के लिए, लेकिन आपने पराग को जो है, पराग आपके बारे में बोलने गया कि उन्होंने बोला, लेकिन जो आपने इसके लिए क्यों नहीं बोला पारस के लिए, उसको पारस के लिए वो मैं आई थिंक उसको बताऊंगा, मुझे फोन करना है एक्चुअली, बात नीचे मैंने मैसेज भी आप देखेंगे तो आई विल कॉल यू लिखा हुआ है, लिखा है, बोला कि जब उसकी मम्मी जाएंगी तब आपको ये समझ में आएगा। हाँ एक्चुअली उधर से उनकी मम्मी से मेरी बात हुई थी। अच्छा, और मैं जैसे ही वहाँ पर गया था उसने सॉरी बोला मुझे पारस ने कि भाई हम, जैसे वो खड़ा हुआ एक्चुअली वो फ्रीज थे, वो फ्रीज थे, वो खड़ा हुआ था, उसने ये बोला कि मुझे मालूम है, वो दिखाया नहीं कि बिग बॉस, मुझे मालूम है फ्रीज है, मैं बिग बॉस का तोड़ रहा हूँ परमिशन को, आपको जो भी सजा देनी है आप दे देना, लेकिन मेरा भाई है मुझे बोलना है उनको कुछ। और ही हग मी, टोल्ड मी कि भाई आई एम सो सॉरी, आई रियली मीन इट, एंड मैंने जो बोला उसके लिए जो भी आप वो बोलोगे वो कम है। मैंने कहा तूने परी को बोला? उसने कहा हाँ भाई, मैंने सबसे पहले भाभी को सॉरी बोला है और मैंने परी से क्लियर भी किया ये वाली बात। परी ने बोला कि नहीं, उसने मुझे बैठा बोला, कुछ दिन तक तो वो ऑकवर्ड भी था कि मैंने ऐसी बात की, वॉज नॉट एबल टू यू नो ओपन अप किया, मैंने ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। तो मैं और मेरी वाइफ एक्चुअली इस चीज़ में मानते हैं, हम माफ़ी में, फॉरगिवनेस में ज़्यादा विश्वास करते हैं देन हेट्री। पारस की मम्मी भी आई तो बोलती गई हाँ कि तो भाभी है, एग्जैक्टली, तो वही बात है। तो आपकी पारस की मम्मी से बाहर हुई थी बात, तो अब ठीक है, आई नो बहुत गलत बोला था। अब गलत बोलने पे हमारे पहले वाल्मीकि जी क्या थे, वाल्मीकि जी पहले डाकू थे ना, उंगली मार, उसके बाद उन्होंने अपने रियलाइज किया वाल्मीकि हो गए। हाँ लेकिन ये अगर दोबारा रिपीट होगा तो फिर माफी नहीं होती, माफी सिर्फ एक बार की होती है, सेकंड टाइम कभी माफी नहीं। आसिम के आपके मन में ग्रजेस नहीं है ना? बिल्कुल भी ग्रजेस नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, अगर मेरे मन में ग्रजेस होते तो मैं उसको ये न्यूज क्यों देता? मैं उसको अपना मानता हूँ। आप न्यूज देखे गए उसके लिए? नहीं, वो तो मुझे पहले, मेरा जो दिल में था मैंने उसको बोल दिया, जो मेरे दिल में था, और मेरा ये था कि ये उसके लिए नहीं था, वो पारस के लिए भी था। मैंने उन्होंने आई थिंक वो दिखाया नहीं दिखाया, मैंने कल एक्चुअली एपिसोड नहीं देख पाया, उन्होंने दिखाया नहीं दिखाया, मैंने ये बोला कि ये सिर्फ आसिम के लिए नहीं है, मैंने उसको आगे बैठा था ना, मैंने कहा ये तेरे लिए भी है। सिद्धार्थ ने बोला भी ना फिर आपको? हाँ, तो ये तेरे लिए भी है। हाँ तो तेरे लिए भी है, तो ऐसा नहीं था कि उसके लिए था, ये सबके लिए था इनफैक्ट। और मुझे ग्रजिस तब भी नहीं था, अगर होता तो सीरियसली बताऊँ मैं इतनी बड़ी न्यूज़ उसको नहीं देता, बल्कि मैं शायद झूठ भी बोल देता, एक्चुअली मैं देता ही नहीं न्यूज़।
जो चाहे क्योंकि मुझे मालूम है कि उससे वो बहुत खुश होगा और स्ट्रांग हो जाएगा और मैं चाहता हूँ कि वो स्ट्रांग हो। वो लड़का यार अच्छा लड़का है, ठीक है अभी उम्र क्या है उसके बच्चे लड़का इज वेरी यंग। और मैंने वापस आते आते उसको ये भी बोला था, मैंने कहा आपके तो सरप्राइज था कि आप उम्र को कैसे जानते हो, तो मैंने कहा आपको बाद में बताऊंगा कि मैं कैसे जानता हूँ, लेकिन उम्र के मैं टच में हूँ, उम्र से मेरी बात होती रहती है, बहुत अच्छा लड़का है, ही इज सो सेंसिबल। और बस आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर उम्र की सेंसिबिलिटी और आपका एग्रेशन आपके अंदर रहेगा ना, आपको कोई नहीं रोक पाएगा इस दुनिया में। तो खुद बोला कि ब्रो आई नो आई एम ट्राइंग आई एम वर्किंग ऑन इट, तो आई होप कि ऐसा हो, बट बहुत ब्रदर्स आर जेन्युइन, बहुत अच्छे लड़कियाँ दोनों। सिद्धार्थ को भी मैं डेफिनेटली बोला, सिद्धार्थ भी मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, और उसका आपने आई थिंक दूसरा साइड अब देख रहे हैं आप उसका, इज सो केयरिंग एंड एवरीथिंग सब चीज़ें। और रश्मि के साथ इक्वेशन देख के मुझे खुद अच्छा लगा, और सी आप देखिए ना कितनी कितनी खुशी का माहौल आ गया पूरे घर में, सब लोग खुश हैं, देखने का मन करता है, अभी खुशी देख के और हंसी खत्म हो चुकी थी लोगों की, अब बहुत अच्छा लगता है देखने के बाद। पहले जैसे आप कह रहे थे कि आप देख के थक जाते थे, अब ऐसा नहीं, अभी एपिसोड देख के लगता है कि हां यार कुछ फैमिली, आई नो वो एक दो दिन तक ही रहने वाला है, ठीक है जितना टाइम भी खुशी का मिले, एटलीस्ट सब लोगों को एनर्जी मिल गई है वापस। चलिए हमें भी बहुत अच्छा लगा आप और शिफाली जब एक साथ आए, लेकिन चलते हुए जो है आसिमांशी के जो भी फैंस है वो इसको लेकर बहुत खुश तो है, साथ ही उनके मन में एक चीज है जो बैठ गई है, मुझे लगता है आप क्लियर कर सकते हैं क्योंकि आप हिमांशी के टच में भी है, उनके साथ जो है बाहर ब्रेकअप हुआ, वो टूट गई ऐसा उमर ने भी बोला कि अब इन सब चीजों को मत कर, तो क्या वो खुश है या वो जो बाहर उनके साथ हुआ जिन चीजों से वो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी क्या? नहीं शुरू में तो ऑफकोर्स कोई भी इंसान डिस्टर्ब होगा, लेकिन हिमांशी भी बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हैं, और मैं उन डिटेल्स में तो नहीं जाना चाहूँगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, तो वो उनकी लाइफ है और ना ही मैं किसी नहीं, सना ने बोला भी कि जो नैरो माइंडेड था चाहो तो शायद उसी की वजह से उसको पसंद नहीं आया सबके साथ, और यही लोग जो है स्पेकुलेशन भी लगा रहे हैं। हाँ तो लेकिन हाँ ऑफकोर्स वो बहुत परेशान थी शुरू में, लेकिन अब क्या होता है ना उसके बाद आपको लाइफ में कुछ चीज़ रिमाइंड होती है, तो उसने मुझे यही बोला हिमांशी ने कि हमारे पराग भाई मेरे बहुत बहुत देर बात हुई उनसे उनकी एक्चुअली कि दिल की बात, वो मुझे भाई की तरह बोल पा रहा बढ़िया मानती हैं, तो दिल की बात काफ़ी की उन्होंने, तो उनका बस फाइनल एक वो था कि मुझे जो आसिम ने चार हफ्तों में दिया ना वो आज तक किसी ने इतने साल में नहीं दे पाए, क्योंकि उसने मुझे इतना ध्यान रखा है, इतना प्यार किया है मुझे, मतलब उसने अपने हिस्से का खाना इमेजिन करो मुझे खिलाया है वो उतने लेवल तक, और बहुत केयर की है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा यार कि वो दिखता भी था वहाँ पे आसिम का, वाकई में वो सीरियस था थोड़ा काफ़ी, और मुझे बहुत खुशी है कि वो दोनों एक साथ रहे, मैं तो चाहता हूँ जिंदगी भर साथ में रहें, और हमारी दोस्त रहने वाली है, आई नो आसिम बाहर भी आएगा तब भी हमारी दोस्ती रहने वाली है, और बस प्रे करता हूँ हिमांशी से भी दोस्ती हो गई तो रखनी, मतलब ये तो एक नेचुरली हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती रखेगा वो, हाँ वैसे ही रखेगा वैसे भी, कि हाँ ऐसा नहीं कि हिमांशी की वजह से रखेगा तो शायद मैं नहीं रखना चाहूँगा दोस्ती, वो हिमांशी ऐसा है ना हमारे उसमें भी ऐसा है, हर कपल में ऐसा होता है कि भाई आई डोंट लाइक आपकी और ये वाले फ्रेंड को तो मैं नहीं मिलूंगा, आप मिलो आपको मिलना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हर जगह होता है, तो मैं हिमांशी से मिलूंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि आसिम वो वहाँ पर एक बिग बॉस का घर है जहाँ पर सब लोग वो चार महीने हो चुके हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, तो बट यहाँ पे आने के बाद डेफिनेटली हमारा एक अच्छा दोस्ती का रिश्ता रहने वाला है। तो चलिए आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चेहरे पे खुशी जो है ना शिफाली से मिलने की अभी भी नजर आ रही है। थैंक यू।